करिए। गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी गोपाल की, गोवर्धन धरण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान श्री गोवर्धनाथ जी के चरणों में इस भगवद गीता के सोमवार के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। टटाई हिंदू काउंसिल और मुखिया जी का जिन्होंने हमको इस सेवा का अवसर दिया है। भगवद गीता के 18 अध्यायों को एक ज्वेलरी का बॉक्स कहते हैं। ज्वेलरी का बॉक्स होता है ना, उसके नीचे तो डब्बा होता है जिसमें जो आभूषण रखा जाता है, ऊपर ढकना होता है और ढकने के ऊपर लिखा हो कि इसे अंदर क्या है। तो 18 अध्याय जो भगवत गीता के हैं उसके पहले 6 अध्याय वो डब्बा है, बीच के 6 के अध्याय उसमें असली आभूषण है और लास्ट के 6 अध्याय उसके ऊपर ढकना है और ढकने के ऊपर लिखा है सर्वधर्मान परित्यज। ये गीता की संक्षेप परिभाषा है। तो बीच में 6 अध्याय में क्या है? भक्ति। अब मैं आपको सरल बातें बताऊं, पहले 6 अध्याय में 2 बातें हैं बस। पहले 6 अध्याय में 2 बातें कौन सी है? काम तो करना ही पड़ेगा, कोई निकम्मा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा सक्रिय है, आत्मा बाय नेचर इज एक्टिव, इसलिए आत्मा निष्क्रिय नहीं हो सकती, इसलिए काम तो सबको करना पड़ेगा। यह है पहला सिद्धांत गीता का। दूसरा सिद्धांत है काम करते हुए बंधन में नहीं पड़े इसके लिए क्या करें। ये पहले 6 अध्याय में 2 बातें हैं। काम तो करना ही है, काम करते हुए बंधन में मैं ना पड़े ये कैसे करें? निष्काम कर्म योग। ये पहले 6 अध्याय का सार। अब दूसरे 6 अध्याय में भी 2 ही बातें हैं, काम करें तो किसके लिए करें। अब ये काम तो करना ही है तो किसके लिए करें कि बंधन में नहीं पड़े? भगवान के लिए करें। किसके लिए करें और कैसे करें? भक्ति पूर्ण करें। दो बातें हो गई, कैसे करें, किसके लिए करें और कैसे करें। और आखिरी 6 अध्यायों में भी 2 ही बातें हैं, सिद्धांत 2 ही है। बंधन का कारण क्या है? प्रकृति के 3 गुण।
और मुक्ति का साधन क्या है? भगवत ज्ञान। ये 12 अध्यायों का सार ये है। दो दो सिद्धांत में 6 अध्यायों का दो ही सिद्धांत है सिर्फ। तो आज जैसे सेवा दी गई है भगवत गीता के 12वें अध्याय का संक्षेप में श्रवण करेंगे। सूत्र कहां है 12वें अध्याय का? 12वां अध्याय शुरू हुआ अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन ने प्रश्न पूछा ही क्यों? 9वें अध्याय में एक श्लोक है जिसमें कहा है भगवान ने, एक तो है अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यं तनुम आश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। वो मैं जब धरती पे आता हूं तो मुझे सामान्य मानव समझते हैं, वो तो मूर्ख है, उनको छोड़ो। फिर दूसरा बताया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। दूसरे मेरे भक्त है जो अनन्य मेरी भक्ति करते हैं, उनकी कमी को मैं पूरा करता हूं, उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं। फिर कहा, इन दो के अलावा 3 और प्रकार के लोग हैं जो ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं। एकत्वेन पृथुक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ये है सूत्र 12वें अध्याय का। वहां भगवान ने कहा मेरी उपासना कैसे लोग करते हैं। पहले कहते एकत्वेन, मतलब मेरे को और अपने आप को। भगवान कहते हैं मुझे ब्रह्म मान के और अपने आप को कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे, हम ही ब्रह्म है। इसको कहते हैं अहम ग्रह उपासना, मैं ही सच्चित आनंद भगवान का जो ब्रह्म है वो मैं हूं। इसको कहते हैं एकत्वेन। दूसरा है एक त्वेना, दूसरा है बहुतो विश्वतो बहुधा। बहुधा मतलब सारे देवताओं की पूजा कर दें। और तीसरा है विश्वतो मुखम, विश्व रूप की पूजा करते हैं। तो 3 और है। अब 3 और में 9वें अध्याय में देवताओं की पूजा का वर्णन कर दिया, 11वें अध्याय में विश्व रूप का वर्णन कर दिया, बाकी एक प्रश्न बच गया कि अपने आप को जो ब्रह्म समझ के पूछते हैं उसके बारे में क्या। ये प्रश्न बच गया। तो अर्जुन ने 12वें अध्याय में ये प्रश्न पूछा है। तो 12वें अर्जुन का पहला प्रश्न क्या है? अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम परिपास्ते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्मह तेषाम के योग वित्मह। योग वित्मह, योग का मतलब होता है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, और युक्तमह का मतलब है युक्ता युक्त युक्ततर युक्तम, जैसे होता है ना गुड बेटर बेस्ट। तो योग में सर्वश्रेष्ठ क्या है? असल में भगवान ये 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में बता के आए हैं। वहां बताया क्या है भगवान ने, योगी नाम अपि सर्वेशां मदगते अंतरात्मा श्रद्धावान यो भजते माम से मैं युक्तत्वो मतः। जो युक्तत्व मत है वही योग मत है ना, युक्त और योग एक ही बात है। लेकिन उस वक्त अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। अब अर्जुन पूछ रहा है, प्रश्न क्या है अर्जुन का? एवं सतत युक्ता ये जो भी, ये का मतलब जो भी, क्योंकि भगवान सबका है। एवं का मतलब, अब एवं ये भी सूत्र है और एक सूत्र है 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक। 11वें अध्याय के लास्ट 4 श्लोक बहुत वो भक्ति का सूत्र है, जहां भगवान कहते हैं कि भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। अहम एवं शक्यो, ये मैं जाना जा सकता हूं भक्ति के द्वारा। ज्ञातुम च दृष्टुम च प्रवेष्टुम च, मुझे जानेंगे ज्ञातुम, दृष्टुम मुझे देखेंगे, प्रवेष्टुम मुझ में प्रवेश करेंगे। ये 3 चीजें भक्ति से होंगी, भगवान कह रहे हैं 11वें अध्याय में, और ये भक्ति का सूत्र है। तो अर्जुन कहता है एवं सतत युक्त, आपने जो अभी कहा ना कि आपकी भक्ति से आपको जान भी जाएंगे, देख भी लेंगे
और आप में प्रवेश करेंगे, मतलब आपके धाम में प्रवेश करेंगे। जैसे हम कहें कि कोई बहरीन में प्रवेश किया है, इसका मतलब ये है कि बहरीन के अंदर वो आया, इसका मतलब ये नहीं है कि बहरीन हो गया। जैसे हरा तोता हरे पेड़ में जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तोता खत्म हो गया, उसके अंदर तोता आम खा रहा है। तो ऐसे प्रवेशम का मतलब है भगवान के धाम में प्रवेश करना। सामान्य उदाहरण देते हैं, कभी कोई बहुत दूर राजस्थान में चला जाए जहां आम होता ही नहीं है और प्रवचन करे कि भाई आम ऐसे ऐसे होते हैं, तो 50 लोग आए, सुनो भाई आम हमने सुन लिया, आम ऐसे होता है, मई जून में पकता है, हरा होता है और पीला होता है तो मीठा हो जाता है, और 40 लोग चले गए। बोला हम क्या, वो जान गए आम के बारे में, 10 बैठे थे। बोला महाराज होता कैसे, आम दिखाओ तो सही। तो महाराज ने झोले से आम निकाला, बोला आम ऐसे होता है। अच्छा महाराज आम ऐसा होता है। वो बाहर गए, बोला देखो ना हम जानते नहीं, हमने आम देखा भी है, ज्ञातुम हो गया, दृष्टुम भी हो गया। दो और बैठे थे, बोला महाराज इस आम का करोगे क्या। बोला खाऊंगा। बोला खाओगे तो हमें चखाओ तो सही कैसा होता है, तुम भी खा लो। तो जो दो आखिरी थे उन्होंने जाना भी, देखा भी और चखा भी। तो ये जो भक्ति है इसमें तीनों बातें साथ में, ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेशतुम च। अब अर्जुन का प्रश्न क्या है, एवं एवं मतलब इस प्रकार भक्ति से जो आपको जान जाते हैं, देख लेते हैं और आपका रसास्वादन कर लेते हैं। सतत युक्ता, सतत का मतलब सदा के लिए, हमेशा। युक्ता का मतलब जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़े हुए कैसे होते हैं, सेवा से। भगवान से असल में हमारा जुड़ना है प्रेम से, हमारा और भगवान का प्रेम का संबंध है। भाई हमारी दिल में भगवान बैठा है क्योंकि हमसे प्रेम करता है ना। भाई दिल में कौन बैठेगा, आपकी दिल में कौन बैठेगा बताओ, जो आपसे प्रेम करेगा वो बैठे ना। भगवान कहते हैं सर्वस्याम हृदय संविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। भाई सबके हृदय में भगवान क्यों बैठे, क्योंकि प्रेम करते। तो हमको, हमसे भगवान क्या चाहते हैं कि हमसे प्रेम करो। भाई मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मुझसे प्रेम करो, बस सीधी सी बात है। इतना सा आसान साधन है, लेकिन हम भगवान से प्रेम करते हैं ये दिखाएंगे कैसे। इस दुनिया में प्रेम करते हैं तो उसका प्रदर्शन कैसे किया जाए, दुनिया को दिखाया कैसे जाए कि मैं प्रेम करता हूं, सेवा करने से। प्रेम का प्रदर्शन सेवा से होता है। अगर मां बच्चे से प्रेम करती है तो उसकी सेवा करती है, आप गुरु से प्रेम करते हैं तो गुरु की सेवा करते हैं, आप भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान की सेवा करते हैं। तो सतत युक्ता का मतलब सदा मुझसे जुड़े हैं सेवा में। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वम परिउपासते, फिर भक्त शब्द है, परिउपासते का मतलब है, उपासते की माना होता है, उप का मतलब नजदीक, आस्ते का मतलब बैठना, जो आपके नजदीक आके बैठते हैं, और परिउपासते का मतलब यह है कि नजदीक तो बहुत रोज मंदिर में आते हैं, लेकिन आपको पाने के लिए कौन आता है। भगवान के पास जाते तो लाखों लोग हैं भगवान से पाने के लिए, लेकिन भगवान को पाने के लिए कौन जाता है, वो है परिउपासते। प्रकृष्टेण रूपेण उपासते परिउपासते, मतलब जाता है भगवान को पाने के लिए। यहां आप उदाहरण ये याद रखिए, महाभारत में द्वारका में पहले दुर्योधन पहुंचा था कृष्ण से सहायता लेने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण भी बहुत चतुर है, बहुत बड़ा सोफा अपने सर के पास रखा था, और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का संबंधी है, कृष्ण का बेटा, जामवंती का पुत्र सांबा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाया हुआ है, शादी किया हुआ है। तो भाई अपना संबंधी के घर में दुर्योधन आया, कृष्ण आंखें बंद करके सोए थे, सोफे के ऊपर बैठ गया। अर्जुन भी आया, युधिष्ठिर महाराज ने भेजा था, जाओ सहायता लेके आनी है कृष्ण से। वो आया थोड़ा देर से, वो बैठा भगवान के चरणों में। अरे अर्जुन भी भगवान के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, अर्जुन भगवान की बहन सुभद्रा का पति है, बहनों ये, और भुआ का लड़का भी है कुंती का, बहुत निकट का संबंध है, आके बैठा कहां चरणों के पास। अब भगवान आंख खोलेंगे तो पहले कौन दिखाई देगा,
जो चरणों के पास है वो दिखाई देगा। अरे पार्थ कैसे पधारे? बोला द्वारकाधीश युधिष्ठिर महाराज ने सहायता के लिए आपके पास भेजा है। तब तो दुर्योधन ने कहा द्वारकाधीश पहले मैं आया हूं। तो भगवान सोए सोए अगर देखेंगे दुर्योधन को कैसे देखेंगे? अच्छा तो टेढ़ी आंख से देखा ना, कैसे देखा? तो टेढ़ी आंख से भगवान किसी को देखें उसका क्या होगा? उसका तो काम पूरा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? भगवान ने उसको टेढ़ी आंख से देखा। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा से 7-8 दिन पहले स्नान यात्रा होती है, और स्नान यात्रा के बाद क्योंकि भगवान का रंग उतर जाता है, जगन्नाथ की जो विग्रह है ना वो नीम की लकड़ी का है, उसके ऊपर चंदन का लेप है, वो समझो कि उसके मसल्स है, मांस है, उसके ऊपर रेशमी कपड़ा है, वो चमड़ी है, उसके ऊपर रंग करते हैं, और ये हर साल बदलते हैं, कपड़ा बदल के दूसरा लगाते हैं, और वो चंदन सब उतारते हैं दूसरा लगाते हैं, वो चंदन फिर प्रसाद में देते हैं, तो बरसात से रंग उतर जाता है। तो कहते हैं भगवान का स्वस्थ ठीक नहीं है, अभी जुकाम लग गया है, लेकिन उस वक्त में भगवान को दोबारा तैयार करते हैं। तो आखिरी दिन रथ यात्रा से 1 दिन पहले भगवान का जो दर्शन होता है, नयन उत्सव करके विशेष दर्शन होता है, सब लोग दर्शन करने जाते हैं, वो सब देवता उस दिन आते हैं। तो यमराज भी मिलने आ रहा था तो गरुड़ स्तंभ के ऊपर एक चिड़िया को बैठे देखा। यमराज ने ऐसे चिड़िया को देखा टेढ़ी आंख से, चिड़िया डर गई कि यमराज ने टेढ़ी आंख से देखा है तो मेरा तो सामना काम हो गया। उसने गरुड़ को कहा कि ये यमराज वापस आएगा तो मेरा तो प्राण ले लेगा, तुम ऐसे करो मेरे को यहां से दूर कहीं ले जाओ। और यमराज जी भगवान से मिलने गए, सभी भगवान का दर्शन करने आते हैं, वो विशेष दिन होता है, सारे देवता आते हैं। गरुड़ जी उसको हिमालय में ले गया, एक गुफा के अंदर जाके चुप करके रख के वापस आया। बाहर निकल के यमराज पूछते हैं कि अरे गरुड़ इतने पसीने में आप लथपथ हो, यहां बैठे बैठे? बोला महाराज क्या कहूं, वो बेचारी चिड़िया को आपने टेढ़ी आंख से देखा था वो डर रही थी, मैं तो पक्षियों का राजा हूं, उसको ले जाके हिमालय की एक गुफा में छोड़ के आया हूं। यमराज कहते हे जगन्नाथ, मैंने जगन्नाथ से शिकायत की अभी कि मैं आया उससे पहले ऑफिस में मैंने देखा लिखा था कि इस चिड़िया का मृत्यु हिमालय की गुफा में एक बिल्ले के द्वारा होगा, और मैंने देखा ये यहां बैठी, यहां से उड़ के वहां कैसे पहुंचेगी, भगवान आपने कैसा कानून बनाया है, लेकिन वह भगवान वह आपके हाथ से वहां पहुंचाया, अब उसने बिल्ले ने खाया और चिड़िया मर गई। तो भगवान काम कैसे करते हैं भगवान को मालूम है, हमको मालूम नहीं है। सो टेढ़ी आंख से देख लिया दुर्योधन को, उसने कहा हम भी सहायता के लिए आए हैं, अब कृष्ण ने क्या निर्णय लिया, मेरी एक अक्षौणी सेना है और कृतवर्मा सेनापति है, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब आप चुनो आप किसको चुनते हो, लेकिन देखो अर्जुन छोटा है, पहले मैंने देखा अर्जुन को है, पहले चुनने का मौका अर्जुन को देते। दुर्योधन ने कहा यह तो बड़ा घाटे का सौदा हो गया, अब लड़ाई है तो सेना चाहिए, ये अकेले नेत्रों को ले जाके क्या करेंगे बिना हथियार के, लेकिन अर्जुन की शरणागति को देखो, कृष्ण हमको तुम्हारी जरूरत है, सेना की जरूरत नहीं है, ये है कृष्ण को मांगना, ये है परियोपास्ते की माना। कृष्ण के पास गया, दोनों गए थे, परियोपास्ते का मतलब उपासना करना, उप का मतलब निकट, आसन का मतलब बैठना, दोनों निकट बैठे थे, लेकिन एक कृष्ण से मांग रहा था, एक कृष्ण को मांग रहा था, जिसने कृष्ण को मांगा वो आज भी अमर कृष्ण के साथ है, और जिसने कृष्ण से मांगा उसका सब कुछ समाप्त हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो परियोपास्ते का अर्थ ये है कि जो सदा भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं भगवान को ही मांगते हैं, आप ही भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ, ये अर्जुन का पहला प्रश्न है। एवं सतयुक्ता ये भक्तास्त्वं परियोपास्ते, अब दूसरा है ये और दूसरे,
अक्षरम अव्यक्तम परिउपासते। दूसरे आपके निराकार अक्षर ब्रह्म की उपासना करते, वो भी उपासक है। उन दोनों में आप किसको योग वित्मह मानते हैं, आपका क्या राय? अर्जुन का ये प्रश्न आपको बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि नहीं? एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तु हम परिउपासते, ये पहला, ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम, ये चाप्य अक्षरम, अक्षर का मतलब जो कभी क्षर न हो उसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म। अव्यक्तम का मतलब है जो दिखाई न दे अथवा जिसका व्यक्तित्व तो नहीं हो, अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब अदृश्य, उसको निर्विशेष भी कहते हैं, निराकार भी कहते हैं। ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम परिउपासते, से वही वर्ड वही है परिउपासते, वो भी आपके पास आते हैं, आपको ही चाहते हैं। इन दोनों में आप बताइए कि आपको योग वित्मह कौन लगता है? अब भगवान उत्तर क्या देते हैं, श्री भगवान वाच मई आवेश मन हो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परिउपेतास्ते में युक्तत्म मत। राय दे दिया, ते में युक्तत्म मत, मेरा मत ये, मेरा राय ये है। क्या राय है आपका भगवान? मई आवेश मनो ये मां, देखो पहले मई है फिर आवेश मन, जिसका मन मुझ में आविष्ट है, जिसका मन मुझ में आविष्ट है। मई एव मन आ क्या श्री भगवान वाच मई एव मन आदर नहीं मई आवेश मनो ये माम, मई आवेश मनो ये माम। दो बातें, मई और माम दो बार कहा है कृष्ण ने, छाती पे ऐसे उंगली रख के अर्जुन को कहा मेरा, जिसका मन मुझ में आविष्ट है, और फिर नित्य युक्ता, कब आविष्ट है? नित्य, नित्य का मतलब सदा के लिए, युक्ता जुड़ा हुआ है प्रेम और सेवा में, उपासते मेरे पास आता है काय के लिए। एक शब्द और भगवान नहीं लिखते तो सभी इस लिस्ट में आ जाते, श्रद्धया, श्रद्धा से आते हैं। अब श्रद्धा जो है, अच्छा यहां एक आपको सूत्र बता दूं भक्ति का, 12वां अध्याय शुरू श्रद्धा से होता है और पूर्ण आहुति भी श्रद्धा से होती। इसका मतलब भक्ति की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। आदौ श्रद्धा अथ साधु संग, पहले आपकी श्रद्धा होगी तो भगवान, आप करोगे श्रद्धा भगवान आपको देगा साधु का संग। अथ भजन क्रिया, और साधु आपको भगवान की सेवा करना सिखाएगा, तो क्या होगा लाभ? क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। तो फिर आपके जीवन में जो अशुभ है वो सब नाश हो जाएगी। ये प्रक्रिया है पूरी, आप करोगे श्रद्धा भगवान देगा साधु का संग, और साधु देगा भगवान की भक्ति, और आप करोगे भगवान की भक्ति तो अनर्थ सारे चले जाएंगे, बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, और फिर क्या होगा? निष्ठा, आपकी निष्ठा हो जाएगी। अरे इतने सारे हमारे अंदर कमजोरियां थी सब खत्म हो गई, बस इतना ही साधु संग से और सत्संग से इतना लाभ हो गया, निष्ठा पक्की हो जाएगी, और निष्ठा के बाद होगी रुचि। अब सेवा करने में सुख मिलेगा, रुचि का मतलब है कोई रुचि रुचि भोग लगाओ का मतलब प्रेम से, और रुचि के बाद होगी आसक्ति। अब इसके बगैर रह नहीं सकते, अब भगवान की कथा के बगैर, भगवान के दर्शन के बगैर रह नहीं सकते, आसक्ति हो गई, और यहां तक साधक को सफर करना है, यहां तक हमको प्रयास करना है, यात्रा करनी है बस, फिर भगवान का प्रेम जो अंदर पड़ा है वो एकदम जागृत हो जाएगा। ये साधक का काम है यहां तक पहुंचना, आदौ श्रद्धा से लेकर आगे। तो यहां भगवान कहते हैं श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, और फिर परिउपेता श्रद्धा से परिउपेता का मतलब क्या है? परिया क्या शब्द है? जैसे आपको मैं परा शब्द और जगह बताता हूं,
एक गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनां तत्वदर्शन। सुना है चौथे अध्याय का ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि आपको भगवत ज्ञान जानना है तो ऐसे संत महात्मा गुरुजनों के पास जाओ, जाके तीन काम करो। पहला क्या है? प्रणिपातेन। पातेन का मतलब दंडवत करना, प्रणाम करना। प्रणी आगे क्यों भगवान ने लगाया? बहुत से लोग आते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन बैठ के कोई पूछता नहीं, भगवान से बात करता। आपको मतलब जब हम प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम के भी बहुत प्रकार हैं। जैसे अब जैसे वैष्णव में नारी को पंचअंग प्रणाम करना है, पंचअंग प्रणाम। सर लगना चाहिए, दो हाथ और दो पांव। वक्षस्थल नारी का कभी धरती पे नहीं लगना चाहिए, धरती माता इसको अच्छा नहीं मानती। पुरुष को षष्टांग प्रणाम करना होता है, लेकिन इसको अष्टांग प्रणाम भी कभी कहते हैं। अष्टांग का मतलब दो अंग और हैं, वो कौन से हैं? एक वाणी से जब प्रणाम करें तो भगवान का प्रार्थना करनी चाहिए। मानव ऊपर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, वैसे मैं मतलब इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि लोगों को जानकारी नहीं है, इसके लिए जानकारी दे रहा हूं कि शास्त्र का नियम ये है, हम नहीं जानते हैं तो भगवान तो क्षमा ही करेंगे। वैसे विष्णु के मंदिर में, कृष्ण नारायण गोपाल के मंदिर में, राम के मंदिर में प्रणाम की एक प्रथा है शास्त्र की। लिखा है सामने से नहीं प्रणाम करना, सीधे तरफ से नहीं करना, पीछे से नहीं करना, नहीं तो पुण्य का क्षण होता है। इसलिए प्रणाम किया जाता है लेफ्ट साइड से। हमारा जो दिल है वो भगवान की तरफ रख के भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये नियम है विष्णु मंदिरों में प्रणाम का। और दूसरे प्रणाम मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी लेनी चाहिए। दूसरे प्रमाण प्रणाम करने से पुण्य का क्षीण होता। नीति शास्त्र का ये नियम है। और देवी के मंदिर में जाए, देवता के मंदिर में जाए तो सीधे तरफ से प्रणाम करना है, न आगे से करना है, न लेफ्ट से करना है, राइट से करना है। क्यों? देखो भगवान की हम सब शक्ति हैं, भगवान शक्तिमान है। अब देखो भगवान की शक्ति राजा रानी है तो लेफ्ट साइड में है, सीता है भगवान की शक्ति तो लेफ्ट साइड में है, तो शंकर जी की शक्ति है दुर्गा तो लेफ्ट साइड में, तो हम भी भगवान की शक्ति हैं तो हमको लेफ्ट साइड से होना चाहिए ना। लेकिन देवी देवता स्वयं शक्ति है और हम भी शक्ति हैं तो हमको उनको राइट साइड से प्रणाम करना चाहिए। यह विधि है। गुरु को सीधे प्रणाम करना चाहिए, हमारा सर गुरु के चरणों में होना चाहिए। और शंकर जी की कभी पूरी परिक्रमा होती ही नहीं है, वो पीछे जो पानी जाना है ना वहां तक जाके वापस आना होता है, उससे आगे नहीं जाना है। ये शास्त्रों की मर्यादा कुछ जानने की आवश्यकता है। तो बात मैं कर रहा था कि भगवान को प्रणाम करते समय यहां जो शब्द आया है परिउपासित ना, ये है प्रणिपाते ना, परिप्रश्न ना, परि शब्द क्यों है? वही परि शब्द यहां है। परिप्रश्न ना, प्रश्न का मतलब है, बहुत से लोग आते हैं, आप नाराज नहीं होना, साधु महाराज के पास आके सीधा पूछते हैं महाराज धंधे में फायदा कैसे होगा। महाराज कहता है ये फायदे का मुझे पता होता तो मैं महाराज थोड़ी बनता, मैं ही धंधा कर लेता। हाँ ये भाई मेरे से पूछने का प्रश्न है क्या? या मैं कभी हंसने के लिए बोलता हूँ, हनुमान जी के पास जाके कहे कोई मेरी विवाह करा दो, वो कहेगा हाय हाय मैं ब्रह्मचारी तेरे लिए कहां से लड़की ढूंढूंगा, तू कहां गलत जगह पे आ गया। और शंकर जी को कोई कहे कि हमारा घर बंगला बना दो, बोलेगा मैंने आज अपना था, अपना ही आज तक नहीं बनाया, तुम्हारा कहां से बनाऊंगा। भाई जिसके पास जाओ मांगो, वो जो 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 उचित हो वो ना। तो ये बहुत बड़ा सावधानी का प्रश्न है असल में, कि गुरुजनों के पास जाना है तो परिप्रश्नेण का मतलब प्रश्न परमात्मा की प्राप्ति का, प्रश्न करो कि भगवान कैसे मिलेगा हमारे जीवन में, भगवान से संबंध कैसे, इसको कहते परिउपासते।
परिप्रश्नेन का मतलब है भगवान के प्राप्ति का प्रश्न पूछो। अरे भगवान मिल गया तो सब मिल जाएगा, भला भगवान के बाद और कोई चीज बच गई क्या जो नहीं मिलेगी? भगवान मिल गया तो सब मिल गया, अब फिर और कुछ मांगने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो यहां जो पर्या शब्द है इसका मतलब आप पूछो वो चीज, यहां लिखा ये शब्द जो है पर्या उपेता, इसका मतलब श्रद्धा से भगवान को पाने की उसकी जिज्ञासा है, इच्छा है, एंडेवर है। श्रद्धया पर्योपेता ते युक्तत्मो मतः, वो सबसे श्रेष्ठ है। ये कह के भगवान कथा को पूरा नहीं किया, फिर तीन श्लोकों में अव्यक्त अक्षर के उपासना वालों का भी वर्णन किया, उनके आठ विशेषताएं लिखी। भक्त के लिए दो विशेषताएं श्रद्धया और पर्युपेता, बस श्रद्धा हो और मुझे प्राप्त करने की उसकी अभिलाषा हो, बस दो चीजें उसके पास है तो बस वो सिर्फ है। अब जो निराकार अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं उसके आठ विशेषण है, वो आठ विशेषण आप सुनना चाहे तो ये श्लोक बहुत सीधा सा है, तीन और चार। ये त्व अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परुपास्ते सर्वत्र गमचिंतम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम संयम ये इंद्रग्रामम सर्वत्र संबुद्ध ते प्राप्नोति माम एव सर्वभूत हिते रता। वो भी मुझे प्राप्त करेंगे, मिलेंगे वो भी मुझे, लेकिन सबका हित चाहते हुए, ये उनमें जिनमें ये आठ गुण आ जाएंगे। ये आठ गुण कौन से हैं? अक्षर और अनिर्देश, जिसके लिए कोई निर्देश है ही नहीं, डायरेक्शन नहीं है आपको, और अनिर्देश के बाद है अव्यक्तम, वो दिखाई नहीं देगा, और फिर है स्वर्ग सर्वगत, वो सब जगह है, और फिर है अचिंत्य, वो आप अपने मन से इसका चिंतन कर ही नहीं सकते, और फिर है कूटस्थ। ये कूटस्थ शब्द आप लोग, कूटस्थ शब्द की माना आती है किसी को? कूटस्थ किसको कहते हैं? कूटस्थ शब्द है, उसके बाद है अचलन और फिर है ध्रुवम। ये सब भगवान के जो जो निर्विशेष भगवान है, जो अक्षर ब्रह्म है, उसकी विशेषता है। कूटस्थ किसको कहेंगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे, और ये तो हम तो ज्वेलरी बाजार में बैठे हैं, वो जो एरन होती है ना, जो नीचे लोहे का एरन होता है जिसके ऊपर कूटते हैं जिसको ना, तो कितने जेवर बनाए, कितने का रूप बदला, रंग बदला, शक्ल बदली, लेकिन वो वैसे का वैसे है। तो जो एरन है उसको कूटस्थ कहते हैं। तो भगवान कैसे है? बोला वो वैसे का वैसे है। बोला दुनिया? बोला कई बार बदली और कई इसके अंदर आए गए, लेकिन भगवान वैसे का वैसे है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। कूटस्थ का मतलब है, उसके लिए कभी शक्ल याद करनी हो तो एरन की शक्ल कहते हैं, वो एनवेल कहते हैं अंग्रेजी में, एनवेल हम, तो वो कूटस्थ की बात है। अचल, अचल का मतलब है भगवान, अचल की माना ये नहीं है कि चल नहीं सकता है, वो तो द्वारका से दौड़ता हुआ द्रौपदी के लिए हस्तिनापुर में आ गया, ऐसा नहीं चल नहीं सकता है। अचल का मतलब उसके स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है, हमेशा एक जैसा होता है। और ध्रुवम का मतलब अटल है, उसके अस्तित्व को कोई हिला नहीं सकता, कोई और दूसरा कहे कि मैं उसकी जगह ले लूंगा, कोई नहीं ले सकता है। लेकिन ये है ब्रह्म के लक्षण, ये ब्रह्म के लक्षण है। उसके बाद जिसको प्राप्त करने हैं उसके कौन से लक्षण होने चाहिए? संय इंद्रिय ग्रामम, सारे इंद्रियों को अपने बस में कर ले, सारे इंद्रियों को, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और ग्यारहवां मन, इनको जो बस में कर ले, संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध है, और सब के प्रति समान बुद्धि रखे, ये सब के प्रति समान बुद्धि का मतलब सब में आत्मा को देखे, शरीरों को न देखे, ये दो बातें साधक में होनी चाहिए। और तीसरी है सर्वभूत हिते रताः, सब प्राणियों का हित की कामना करे तो फिर मेरे को प्राप्त करेगा, वो भी मेरे पास आएगा। अब मेरे पास आने में क्या अंतर है दोनों के?
देखो आप भी बैरिन में रह रहे हैं, बैरिन का किंग है वो भी तो बैरिन में रह रहा है, हा? वो भी बैरिन में, आप भी बैरिन में, दोनों में कोई फर्क है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं? वो राजमहल में रह रहा है, आप बैरिन में, मैं रह रहे हैं, लेकिन राजमहल तो मैंने तो नहीं रह रहे। तो एक कुछ लोग है जो बैरिन के बॉर्डर पे रह रहे हैं और कोई बैरिन में राजमहल में रह रहे हैं। और दोनों में अंतर यह है कि जो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म के उपासक है वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचेंगे, जो बाउंड्री है आध्यात्मिक जगत की, तो वो तो भगवान का धाम ही हो गया। लेकिन जो भक्त है उस ज्योति को पार करके भगवान के महल में पहुंचेंगे। दोनों एक ही जगह पहुंचते, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे आप कहेंगे आप भी बैरिन में, किंग भी बैरिन में, लेकिन दोनों में अंतर है और नहीं भी है, तो दोनों एक जगह पहुंचते। लेकिन फिर भगवान सावधान कर रहे अर्जुन को, क्लेशो अधिकतर तेषाम, लेकिन इस साधन में क्लेश ज्यादा है। क्लेश तो सब समझते हैं ना, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, आपकी चेतना, आपकी सुरत, आपकी कॉन्शियसनेस अव्यक्त में लगे ये बहुत दुखदाई है, क्योंकि आपको रूप है और आप बिना रूप वाले का ध्यान कैसे करोगे? भाई आप देखो, आप हमारा रूप है, हमारे पिता का रूप है, हमारे दादा का रूप है, ऐसे पीछे जाए सबका रूप है, ब्रह्मा जी का भी रूप है, तो हम बिना रूप वाले का ध्यान कैसे करें? तो इसलिए वो थोड़ा क्लेशो अधिकतर तेषां, अधिकतर है तो क्लेश उसमें भी है। क्लेश का मतलब है ये संसार है ही क्लेश है इस संसार में। क्लेशो अधिकतर तेषां अव्यक्त सक्त चेत, अव्यक्ताई गतिर दुखम, अव्यक्त की उपासना में अव्यक्त गतिर दुखम, गति की दो माना है, गति का मतलब गंतव्य स्थान गोल, और गति का मतलब है स्पीड, कौन सी आप गति से जाएंगे, स्पीड से जाएंगे, तो उस गति उसमें बहुत स्लो है। मैं स्लो आपको इसलिए बता रहा हूं कि ज्ञान मार्ग में कई जन्म लगते हैं, और ये भगवत गीता कह रही है बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यंते वासुदेव सर्वमिति समात्मा। ये गीता का श्लोक है, बहुनाम जन्म नाम, बहुत जन्म लगेंगे भाई। अरे पहले तो ज्ञान के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेके गुरु के आश्रम में बैठ के वेदों का अध्ययन करेगा, तब जाके चिंतन करेगा, तब ना, इतना आसान तो नहीं। और फिर भी गीता से आप साफ आज स्पष्ट समझ लो, योग वालों के लिए भी भगवान ने छठी अध्याय में लिखा है अनेक जन्म संसिद्धिम। अनेक जन्म का मतलब बहुत सारे जन्मों के बाद उसको पूर्ण सिद्धि मिलेगी, सम्यक सिद्धि मिलेगी। और भक्ति के लिए इस अध्याय में मैं श्लोक पढ़ता हूं, इसका आप आनंद लीजिए। ये दो श्लोक इसके बाद है, अब दोनों का तो पूरा कर लिया भगवान ने, अपना राय दे दिया, अब भक्तों की बात करते हैं। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्यस्य, जो अपने सारे काम मेरे ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे भजन गाते हैं ना आप लोग, सब भगवान आपके हवाले, आप ही सब कर रहे हो, नाम मेरा हो रहा है, जो गाते हो ना, ये इसकी माना है, सारे कर्म मेरे ऊपर छोड़ देते। ये तू क्यों आया, तू संस्कृत में आता है, अब टॉपिक बदल गया, अब वो निराकार ब्रह्म वाला टॉपिक नहीं है, वो तो बोल दिया गतिर दुखम, उसमें दुख ज्यादा है, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त सक्त तेषाम अव्यक्ताई गतिर दुखम देवद भीर वाप्यते, देहधारी के लिए ये मुश्किल है। लेकिन जो देह के स्तर से ऊपर अपने आप को मान ले, ऐसे महात्मा है जो मान सकते हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये कॉन्शियसनेस आने में बहुत समय लगता है। लेकिन आप कहते हैं अब टॉपिक बदल रहा है, अब वापस भक्ति पे आ रहे हैं, कहते हैं ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्यस्य मत पराह, मई सन्यस्य मतलब मेरे ऊपर छोड़ना, काम आप करना, छोड़ो मेरे ऊपर, मत पराह का मतलब मेरे शरणागत होकर, मत पराह मत मतलब मैं, परा मतलब प्रायण,
मेरे प्रायण होकर नारायण प्रायण कोटेशु दुर्लभ, करोड़ों में मुश्किल मिलता है जो भगवान प्रायण हो। ये लिखा है कोटि मध्य दुर्लभ नारायण प्रायण, नारायण का शरणागत करोड़ों में कोई मुश्किल होता है। कहते सो में सूझता नहीं है, हजार में होता नहीं है, लाख में लगता नहीं है, करोड़ में कोई एक, बहुत मुश्किल मिलता है। और फिर लिखा है अनन्य नैव योगे न, और जो अनन्य योग से, अनन्य योग, अनन्य के दो माना है, अनन्य का मतलब न अन्य और किसी का नहीं मेरा, और दूसरा अनन्य का मतलब है निरंतर। अनन्य योगे न माम ध्यायंत उपासते, मेरा ध्यान करता है और मेरी उपासना करता है, मेरे पास बैठता है और मेरा ध्यान करता है। माम ध्यायंत, ध्यान किससे करेंगे? ध्यान होता है मन से। ध्यान योग सारे के लिए आपके पास है मन, ध्यान होता है मन से और मनन होता है बुद्धि से। ये अब दोनों उल्टे हैं, आप याद कर लेना। आज नाम मनन है लेकिन बुद्धि से नहीं, वो मन से नहीं होता है, वो बुद्धि से होता है। मनन बुद्धि से होता है और ध्यान होता है मन से। इसका मतलब मन से जो मेरा ध्यान करते हैं तेषाम अहम समुद्रता, उनको मैं समुद्रता का मतलब, समुद्रता के माना पता है क्या है? जैसे नाव होती है ना, समुद्र के किनारे नाव है ना, यहां नाव होगी ना, आप नाव में चढ़ने जाएंगे नदी के किनारे, तो अभी तो जेटियां बनी हुई है, नहीं तो पहले थोड़ा पानी में जाना पड़ता है, कीचड़ में जाना पड़ेगा, फिर नाव पे पहुंचेंगे जाकर। समुद्रता का मतलब है कभी कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको आप क्या करते हो, गोद में उठा लोगे, उसको गोद में उठा के सीधा जाके नाव में बिठाओगे। तो भगवान कहते हैं ये मृत्यु संसार सागर से मैं उसको ऊपर ऊपर से उठा लूंगा। समुद्रता, समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी निचरात पारथ मई आवेशित चेतसाम, जिसका चित्त मुझ में आविष्ट है उसको मैं मृत्यु संसार से तत्काल इसी जन्म में, अचरेण का मतलब कोई जन्म लेने की जरूरत नहीं है, मैं ही निकाल के ले जाऊंगा। अब निर्णय आप देख रहे हैं भगवत गीता के अपने शब्दों में निर्णय देख रहे हैं कि इसी जन्म में जिसका चित्त मुझ में आविष्ट है। चित्त भगवान में कैसे आविष्ट हो ये बड़ा आश्चर्य है। कोई ऐसा है जिसने, जिसके हृदय में भगवान का चित्र आपने कभी सुना हो? चित्त भगवान में आविष्ट का हम इसका अर्थ कभी ये करते हैं जिसके दिल में भगवान विराजमान हो। अब इसका उदाहरण एक ही आपको मिलेगा, हनुमान जी ने ऐसे छाती फाड़ के सीताराम दिखाया कि नहीं दिखाया, इसको कहते हैं चित्त जी भगवान में लगाए। ऐसे नहीं कहने से चित्त लगाए, जिसके चित्त में वास्तव में भगवान है। एक छोटी सी लीला कह के मेरे ख्याल में समय का जो सीमा को देखते हुए कथा को विराम देंगे। एक आपके गुजरात में पालनपुर से वो ऊंझा जाते हैं सिद्धपुर, सिद्धपुर नाम है एक जगह का, वहां बिंदु सरोवर है और बिंदु सरोवर के किनारे पे कपिल देव तपस्या करते थे, वहां सरस्वती बहती थी और वहां देवहूति माता का विवाह भगवान नारायण ने अरेंज किया था और वहां स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को लाए थे। उस बिंदु सरोवर की महिमा ये लिखी हुई है गर्ग संहिता में कि एक बार बिंदु सरोवर में स्नान करे तो तत्काल भगवान श्री कृष्ण से भेंट होगी। ये बात राधा रानी ने सुनी वृंदावन में, और कृष्ण को गए 100 साल हो गए वृंदावन छोड़ के। कृष्ण वृंदावन से 11 साल में चला गया मथुरा, 17 साल मथुरा रहा, फिर चला गया द्वारका, वहां 90 साल से ज्यादा रहा। तो जैसे राधा रानी ने यह पढ़ा, सब गोपियों को कहा कि हमारे को रथ में ले चलो बिंदु सरोवर, और सब आए बिंदु सरोवर और सब बाकी चारों ओर से घेर के खड़े हुए और राधा रानी स्नान करने के लिए बिंदु सरोवर में प्रवेश किया।
उसी समय द्वारका से भगवान अपनी सारे रानियों के साथ, यदुवंशियों के साथ बिंदु सरोवर आए और अभी स्नान ही कर रही थी राधा रानी, तब तक समाचार आया श्री कृष्ण राधा रानी से मिलना चाहते हैं। राधा रानी ने कहा कितना सच लिखा है शास्त्र ने कि जो से एक बार डुबकी लगाएगा भगवान तत्काल मिलेगा, और यहां भगवान के मिलने का संदेश भी आ गया। अब ये सबके लिए सच नहीं हो सकता है, ये सच ऐसे शास्त्र में लिखा है वो सत्य है, लेकिन सबके लिए नहीं, जो उस स्तर पे है उसके लिए है, उसको गलत नहीं समझना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, राधा रानी कृष्ण के पास लाई गई। राधा रानी ने कृष्ण को रतन जड़ सिंहासन पे बिठाया, उसको प्रेम से पूजा किया। भगवान की सारी रानियां राधा रानी को घेर के बैठ गई कि आप बताइए तो सही, कृष्ण से आपने तो 11 साल का छोड़ के आया वृंदावन, कोई कृष्ण कोई नव युवक आज कोई कहे कि कोई गोपियां लड़कियां थी, ये बात नहीं है। 11 साल का कृष्ण छोड़ के आया वृंदावन, तो आप गोपियों ने कौन सा इनको आनंद सुख प्रेम किया था कि रहता तो द्वारका में हमारे महल में है और सोए सोए गोपी गोपी राधा राधा करता रहता है वो नींद में। तो राधा रानी ने देखा कि ये सब भगवान से प्रेम करने वाली है तो इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। राधा रानी का चांद एक होता है, चकोर लाखों हो सकते, सभी एक चरा चांद से प्रेम करते हैं ना, कृष्ण चंद्र एक है और हम सब उससे प्रेम करने वाली हैं। राधा रानी ने सबका मन रख लिया, क्योंकि ये सब जो रानियां हैं ये भी राधा रानी का ही विस्तार है, राधा रानी से भिन्न तो है नहीं। अब रुक्मणी जी ने राधा रानी का देखभाल किया और फिर रुक्मणी द्वारकाधीश के चरण स्वायन करने के लिए आई, तो वो जाग रहे थे द्वारकाधीश, अरे आप सोए नहीं अभी तक कृष्ण? बोला राधा रानी को नींद नहीं आएगी तो मैं कैसे सोऊंगा? बोला मैं तो सुला के आई हूं। बोला वो गर्म गाय का दूध पीती है तब सोती है, आपने गर्म गाय का दूध नहीं दिया होगा। बोला वो तो मैं भूल गई। रुक्मणी भागती हुई गई, दूध गर्म किया गाय का, उस सोने के बर्तन में सजा के उसको दिया और वापस आई और कृष्ण के चरणों को हाथ लगाया तो इतने बड़े जले हुए फफूंदे पड़े थे। अरे कहां कहीं गए नहीं करिए, आपका ये पांव कैसे जल गया? बोला रुक्मणी बहुत गर्म दूध आपने राधिका को दिया था, उसके हृदय में मेरे चरण कमल बसते हैं, उसके ये चरण मेरे जले हैं। इसको कहते हैं मई आवेशित चेत सा, जिसके हृदय में भगवान विराजमान है उसको भगवान कहते हैं कि कोई देर नहीं लगेगी, उसको मैं तत्काल इस दुनिया से ले जाऊंगा। ये है सबसे उत्तम स्तर की भक्ति। लेकिन भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा ये तो मेरे से नहीं हो सकेगा, तो भगवान कहते हैं ये नहीं हो सकेगा तो ये कर लोगे, और ये नहीं हो सकेगा तो ये तो कर सकते हो, अरे ये नहीं हो तो ये तो कर सकते हो। ये भगवान ने फिर इसके बाद, जैसे कोई आदमी कहे कि मेरे को छत को हाथ लगाना है तो कोई तो लंबा है तो जंप मार के लगा लेगा, दूसरा कहे भाई मैं तो नहीं पहुंच सका, कोई नहीं स्टूल के ऊपर खड़े होके लगाओ, भाई हाथ तो लगाना है और क्या करना है, स्टूल में खड़े हो जाओ। तो ऐसे भगवान ने कुछ ग्रेडेशन बताए हैं और ग्रेडेशन बताने के बाद भगवान ने भक्त के लक्षण बताए 12वें श्लोक से। तो कभी भगवान ने समय दोबारा दिया तो आपके साथ इसकी चर्चा करेंगे। आज कथा को यहां विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता की कन्ह कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु जी यह भाग्य हम समय से